पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। चुनाव से पहले सीकर में भाजपा को एक बड़ा झटका, वाहिद चौहान ने छोड़ा भाजपा का दामन। सीकर विधानसभा चुनाव से पहले सीकर में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनसीपी से चुनाव लड़कर करीब 39,000 मत से तीसरे स्थान पर रहकर भाजपा में शामिल हुए वाहिद चौहान ने आज अपने समर्थकों सहित भाजपा का दामन छोड़ दिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर की। चौहान ने बताया कि उनकी प्राथमिकता अब समाज सेवा है। हालांकि दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा किसी पार्टी से उम्मीदवारी का प्रस्ताव मिलने पर उस समय के हालात के हिसाब से फैसला लेने की बात भी कही। इस दौरान चौहान ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारने की वजह ग्रामीण क्षेत्रों से वोट नहीं मिलना बताया। ग्रामीण इलाकों से जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी समाज सेवा के ध्येय को बढ़ाने की बात भी कही। प्रेसवार्ता में चौहान ने अपने एक्सीलेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज को अस्पताल के रूप में जल्द शुरू करने की घोषणा भी की, जिसमें जरूरतमंदों को निःशुल्क और रियायती दरों पर इलाज मुहैया कराने की बात भी कही। सीकर से आनंद सिंह कच्छावा की रिपोर्ट। 5-4 साल के बीच में कोई 60-70 मीटिंग हुई होंगी, इतने कार्यक्रम हुए, आप कहीं नजर नहीं आए सर। तभी समाज सेवा कर रहे थे, अब भी कर सकते हैं सर। मुझे सही ढंग से नहीं, सही ढंग से पहले नहीं कर रहे। और ये क्लियर बताता मुझे, अगर इलेक्शन लड़ना है और मैं जनता पे डिपेंड करेगा, सुनो तो मैं कोशिश करूंगा ना। कोशिश तो मेरा करना फर्ज है कि नहीं है जी, कि मेरा बेस्ट बेट कहाँ होगा, वहाँ वहाँ फिर मैं जाऊँगा, मेरे लोगों से पूछूंगा। सर इलेक्शन किसी को हराने के लिए लड़ेंगे या जीतने के लिए लड़ेंगे? सीकर से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? सीकरी उद्देश्य है मेरा, सीकर और का जी मेडिकल सर, मेरा सोशल सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रीजन ये है कि मुझे मेरे एजुकेशन वर्क के अंदर, बालिका शिक्षा के अंदर हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया। मेरा एक मिशन था 32 साल पहले के सीकर में कोई भी बच्चे घर में नहीं बैठे, स्कूल जाए, पढ़े, वो मेरा मिशन पूरा हो गया। अब मुझे आगे उनको अभी क्वालिटी पर ध्यान देना, हायर एजुकेशन पर उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। और हायर एजुकेशन में एक डिपार्टमेंट है मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन, वो जॉब ओरिएंटेड होता है इसमें, और उसमें बहुत सारे बच्चियों को जॉब मिल सकता है, छोटे छोटे भी कोर्स भी बहुत। मुझे सीकर की जनता की सर्विस करनी है। तो सर 4 साल कहाँ से चुनाव हारने के बाद? हाँ 4 साल किया ना, बीजेपी ज्वाइन किया सर। ज्वाइन करने के बाद जनता की कितनी समस्याएं थी? की है हमने, मेरे लेवल तो हुआ, हमने अरे मैं बता रहा हूँ, बच्चों को वो पकड़ा, उनका काम किया हमने, बहुत काम किया उसने। अभी सर शहर में बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्या तो भैया, लोग बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पानी के लिए पूरा शहर ट्राई ट्राई कर रहा है। आप सेवा भावना की बात करें तो बताएं, एक तो बताई गई है, मैंने किया बताओ तुम सर, चुनाव लड़ोगे तो चुनाव में भी सर ये क्या मुद्दे रहेंगे आपके? लेवल के है लड़कों को पढ़ा, 5 लड़कों की जिंदगी खत्म हो गई। मैं देखूंगा क्या ऑफर आते हैं, कि हमारे टीम से बातचीत करेंगे, किससे जीतने की संभावना है तो होगा उसे इंशाल्लाह। बीजेपी छोड़ने का एक ही मकसद है कि भी आगे चुनाव लड़ना है आपने बोलते हैं? अभी पहले सोशल काम कर, चुनाव इज सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो सर ये चुनाव के वक्त ही चुनाव नज़दीक आते ही, अरे टर्म खत्म हो गया भैया, मेरे स्कूल का टर्म खत्म हो गया, मैंने बिल्डिंग खाली करवा ली हूँ, वो अपना पॉलिटेक्निक ख़त्म कर दिया हूँ, आज तो स्टार्ट हुआ थी बिल्डिंग खाली रखो साल भर। इलेक्शन में तो अभी 6 महीने 7 महीने बाकी है, इंशाल्लाह 6 महीने मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, बच्चियों के कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। इसका अब मैं आगे बाकी बात करता हूँ। अब इलेक्शन हार गए, मुझे सोशल काम करना था, लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कुछ करें। जब आप अगर कुछ मेंबर नहीं हो, कुछ भी नहीं, कैसा करें? तो हमने बीजेपी को ज्वाइन किया कि उसमें रह के लोगों की मदद कर सकें, इवन टेक हम उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं, वो हमारी मदद करते हैं, तो हमने उनको वोट दिलवाए। उनकी इलेक्शन में 20% मध्य प्रदेश में वोट दिलवाए,
उन्होंने ही टर्न बहुत मदद की। हमारे जो पांच एक बच्चे पकड़े थे इल्ज़ाम लगा दिया था सरासर गलत था, इसमें बहुत मदद हुई। रिलीज नहीं हुए जैसे लॉ प्रोसीजर आपको पता अपने कंट्री में कितना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें बहुत काम हुआ और भी काफ़ी काम हुआ। जो हो सका हमने मदद की। अब मुझे चूंकि ये काम बहुत ज़बरदस्त बिग काम। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? पसंद आया तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया बता देने का। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। आप लोगों ने हमें उस शिखर पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो हम आपके लिए बहुत आभारी है। आपने हमें 2,40,00,000 से भी ज़्यादा बार इस चैनल को देखा है और 63,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर करके हमें एक नई पहल करने की उम्मीद जगाते हुए आपने हमें अपना कीमती समय और सहयोग दिया। उसके लिए हमारी चैनल आपकी और आपके परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप देखते रहिए पनावड़ा टीवी।